हेलो गाइस, सवेरे सवेरे को वक्त है। एक बार फिर से आप औरों को भी स्वागत है हमारे ब्लॉग में। तो आज हम और अपने गांव से जा रहे हैं थोड़ी सी टूर पे मस्ती कर भी। दिलीप भैया अपनी गाड़ी चला रहे हैं जी बेटे। और बॉस ठीक है भैया, नाश्ता वास्ता करो है तो नहीं? नाश्ता बस आंगन मिल रहा है, नाश्ता कर भी। अच्छा, नाश्ता करेगा। अच्छा, दबोई में। तो भैया खाली जा रहा है हमारे तो पूरी अच्छी बढ़िया मस्ती। मौसम भी देखे हैं अच्छी बढ़िया मस्ती की थी आज। क्या छोड़ू मस्ती भैया। एक पते की बात बताएं गाइस, छोटू ने पहली बार सुबह सुबह उठ के नहाए, हनुमान जी की पूजा की है, उसके बाद बंदा घूमने को निकलो है। क्या गुरु बिल्कुल। अब देख रहे हैं अपन आगे कि मौसम हेलो गाइस। तो आज हमारे रखा रहे हैं मक्का। कहा दिलीप जी कैसा लग रहा? बहुत प्यार सुकून मिल रहा है मक्का रखा भी। और गर्मी में तो 70 ही बेचू दी जा रही है। तो गाइस देख सका था हमारे पीछे जा लगी है मक्का। मिट्टू परेशान कर रहे हैं, जानवर छोटे छोटे पक्षी परेशान कर रहे हैं। जैसी हूत किया वैसे हमारे बेटी हैं जी बेटी हमारे दिलीप भाई। गर्मी में बुरा हाल। हवा लग रही है ना? हवा तो लग रही है, रुक गए अब थोड़ा उज्जे। किसानी ऐसी आसानी सी आसान नहीं है। भारत में दो चीजें तो हैं गुरु, एक का है बॉर्डर पे सैनिक। बूढ़े आदमी सही कह गए, किसानी कर वो बच्चों का खेल रही है। तेल निकल जाता है अच्छो अच्छो का। जब गुरु शायर बने गए तो किसानी कर जब मूड पे बीता था सब बन जाते। आज के लड़कों की तो हिम्मत ही नहीं है किसानी करो, बहुत बड़ा मुश्किल काम। तो भैया भैया हमारे दिलीप भाई की तुमने बातें सुनी है, क्या प्यारी प्यारी कराते हैं। लड़का ना है मैंने पुरानी बातें कराते दिक्कत कचू रंजे सही कह रहे। मिट्टू की आवाज़ सुनी गाइस तुम्हारो ने? यही परेशान कर रहा है। देखो पीछे पूरे में मक्का लगी है। आंगे धान, आंगे धान, ओके आंगे उड़दा उड़दा रोके आगे खाखेरी। हाँ ओके आगे फिर बॉर्डर। तो क्या करें गाइस, रखा रहे संजय वीरा जी हैं घर, ठीक है।